नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने किया निरीक्षण। लांता क्षेत्र में शुक्रवार को जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों को देखने के लिए विशेष दौरा किया, जिसमें वे ग्राम ड्यूटी पहुंचे हुए थे और पूरे अमले के साथ कलेक्टर दीपक आर्य ने किसानों के खेतों में जाकर क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआयना किया और हल्का पटवारियों को क्षेत्र में जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है उनका जायजा लेकर उचित मुआवजा दिलाने के लिए कहा। उसके साथ ही कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर ड्यूटी से टाका बर्रा सड़क का भी मुआयना किया और इस खराब सड़क को जल्द से जल्द बनवाने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। साथ ही शुक्रवार को कलेक्टर आने ने ड्यूटी बांध का भी औचक निरीक्षण किया और यहां पर पहुंचकर ड्यूटी बांध के अद्भुत नज़ारे का लुत्फ़ उठाया। साथ ही आर्य ने यहां पर्यटन की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार से राशि आने के बाद यहां तक पहुंच मार्ग बनवाने की बात कही। इसके बाद दीपक आर्य तहसील कार्यालय लामटा पहुंचे और लामटा में निर्माण तहसील भवन का निरीक्षण किया। साथ ही काटी वीरान की समस्या को सुलझाने के लिए ग्रामीणों को आशान्वित किया। अनुभूति बेसिक जो आने का उद्देश्य था वो ओला प्रभावित जो कृषक हैं जो खेत हैं उनको देखना था, फसल का कितना नुकसान हुआ है वो देखा। उसके बाद ड्यूटी डैम पर भी आने का एक मतलब प्रस्तावित था, ड्यूटी डैम में क्या क्या संभावना है टूरिज्म को लेकर और सिंचाई को लेकर। जब एक बहुत बड़ी समस्या इसमें आती है वो है कि सिल्टिंग बहुत हो गई है, डिसल्टिंग के लिए क्या क्या सकता है, बस यही देखने के लिए मैं आया था और कृषि विभाग से और अपना सिंचाई विभाग से बात करके इसकी डिसल्टिंग की तैयारी की जाए। जैसे ग्रामीण जनों की मांग है कि इस ड्यूटी बांध को पर्यटक स्थल का दर्जा मिले ताकि यहाँ पे रोजगार के मूलक कार्यक्रम हो, इससे व्यवसाय यहाँ के रोजगार ग्रामीणों को मिले, उस संबंध में आपके क्या प्रयास होंगे? अपने आप में ही ये एक पर्यटन स्थल है, उसका विकास जो संभावना है उसका एक बार प्रयास किया जाए कि इसके विकास के लिए यदि हम लोग मांग करेंगे राशि की यदि व्यवस्था होती तो इस प्रकार। नहीं, जैसे यहाँ पे पहुँचने के लिए एक मार्ग की जरूरत है, बोटिंग की जरूरत है, अगर पर्यटक होता है। मैं आपसे वही बोलता हूँ कि कई सारी जगहों पर हम लोगों ने चिन्हित की है जिनमें जहाँ पर्यटन की संभावना है उन जगहों पर कंसल्टेंट हायर करके और हम लोग शासन से मांग करेंगे, शासन से यदि राशि प्राप्त होती है तो उसमें विकास कार्य। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से ब्यूरो चीफ संजय अजीत की रिपोर्ट। समय जगत एक संदेश पूरा देश।